फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ बेला विटा ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल के बारे में, विच इज मेड विथ पैशन फ्रूट, स्नो मशरूम्स, कोकोनट वाटर, मोरिंगा। यह आपके स्किन को नरिश करता है, डीपली हाइड्रेट करता है एंड शाइन को वापस लाता है आपके फेस पे। यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड बाहर से आपकी स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग लगती है। इसकी जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह है एंड बहुत इजीली आपकी स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं जब अप्लाई कर रही थी, मेरी स्किन में अच्छे से सूट कर गया था एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप मेंशन किया गया है एंड ड्राई स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट करेगा बिकॉज इट इज़ हाइड्रेशन रिलेटेड। तो ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन दोनों ही इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा ऑयलीनेस नहीं लगेगा या फिर एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं फील होगा इससे, एकदम परफेक्ट बैलेंस ऑफ मॉइस्चराइजेशन। इट इज़ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट आता है एंड इसका जो प्राइस है विच इज़ अराउंड 399 रुपीज़, बट अमेजोन ने मुझे 319 रुपीज़ में मिल गया। इसका जो सेंट है विच इज़ एग्जैक्टली लाइक कोकोनट, कोकोनट वाटर जैसे स्मेल करता है, एकदम लाइट फ्रेश वैसे ही स्मेल करता है एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कंपेयर टू सी ग्लो फेस जेल। वो बहुत ज़्यादा सेंटेड था एंड उससे कंपेयर टू दैट इट इज़ लेस सेंटेड, प्लस उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा, वो थोड़ा टिंकलिंग सेंसेशन देता था बट इसको अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फ्रेश फील लगती है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। बट ये प्रोडक्ट ना आपकी एक्ने एंड पिंपल को ट्रीट नहीं करता, इट्स जस्ट मेड फॉर हाइड्रेटिंग योर स्किन। इवन इसके नाम पर भी मेंशन किया गया है इट इज हाइड्रोजेल। एक्चुअली इसका फुल नाम है बेला विटा ऑर्गेनिक हाइड्रा प्लस फेस जेल। एकदम क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है एंड स्किन को इंस्टेंट सॉफ्ट एंड सपल भी बना देता है। एंड हाइड्रेशन तो इंस्टेंट प्रोवाइड करता ही करता है, तो 14 डेज का मुझे लेकर मुझे जरूरत पड़ेगी। इवन आई डोंट थिंक कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है कि इसको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत पड़े, तो आई कैन फील इंस्टेंट हाइड्रेशन। जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा ये फील लाने में या फिर हाइड्रेशन अपने स्किन में लाने में। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट आफ्टर शावर यू कैन अप्लाई इट ऑन योर क्लीन फेस, थोड़ा सा जेल लो एंड देन अप्लाई करो, मसाज करो, इट इजिली एंड क्विकली एब्जॉर्ब्स ऑन योर स्किन एंड देन छोड़ दो इसे। इसके बाद आप सीरम या फिर क्रीम लगा सकते हो, मुझे ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जिनकी ड्राई स्किन है उनको जरूरत पड़ सकती है। आपको इसे दिन में दो बार लगानी है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू सी ग्लो वाला रेंज से, एज इट डजेंट इफेक्ट्स माय स्किन, प्लस कोई टिंगलिंग सेंसेशन भी नहीं होता एंड इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ ही साथ स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेटेड एंड ग्लोई फील होता है। मैं एज अ नॉर्मल हाइड्रेशन या फिर मॉइस्चराइजेशन के लिए अप्लाई करती हूँ। जिनकी स्किन ऑयली है ना, वो हैवी क्रीम या क्रीम मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वो और भी स्किन को हैवी बना देता है या फिर ऑयली बना देता है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ अ जेल लाइक हाइड्रोजेल जो बेला विटा ने अभी बनाया है, हाइड्रा प्लस जेल, उसको अप्लाई करने से आपकी स्किन इंस्टेंट मॉइस्चराइज लगेगी प्लस हाइड्रेशन भी मिलेगी आपको, आपको एक्स्ट्रा हैवीनेस या फिर ओवर मॉइस्चराइजेशन नहीं फील होगी। तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट फॉर ऑयली स्किन पीपल जिनको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, क्योंकि ऑयली स्किन होने के बाद भी हमें मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है। कभी ठंड की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, कभी धूप ज़्यादा होने की वजह से हमारी स्किन एक्सेस ऑयली हो जाती है, बट इन दोनों के बीच में हमारी स्किन को एग्जैक्ट मॉइस्चराइजेशन नहीं मिल पाती है। तो हाइड्रा प्लस जेल यूज़ करने से आपकी स्किन में एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन मिलेगा, साथ ही साथ ड्राई स्किन लोग तो यूज़ कर ही सकते हैं, बिफोर अप्लाइंग अ क्रीम और सीरम वो यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सो डेफिनेटली इट्स जस्ट फॉर मॉइस्चराइजेशन, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बस आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाएगी एंड आपकी स्किन की जो सेल्स है बहुत खिली खिली लगेगी, बट पिंपल डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन इस पर वर्क नहीं करता है, तो डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट लाइक दैट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। ये बस सिंपल हाइड्रेशन के लिए ही प्रोडक्ट बनाया गया है, सिंपल मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो फॉर मी इट इज गुड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट सेज और क्लेम्स, जितना भी क्लेम किया है इट इज गुड, कोई भी ओवर क्लेम नहीं किया है कि ये रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूस कर देगा। आई लव बेला विटा ऑर्गेनिक बिकॉज जो भी ये क्लेम करता है उतने पे ये खड़ा हो पाता है, यानी कि उतना ये कर ही देता है। इवन सी ग्लो जब मैं यूज़ करती थी इट इजिली यूज टू डिटैन माई स्किन, लेकिन उसका जो सीरम एंड जेल है उतना अच्छा मेरे पे काम नहीं किया है। इट डिपेंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन टाइप एंड ऑल्सो आप हमारी स्किन अलग होती है तो किसी पे सूट कर सकती है किसी पे नहीं भी सूट कर सकती है, तो प्रोडक्ट काम करेगा या तो नहीं करेगा। बट स्टिल अब तक जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं फ्रॉम बेला विटा ऑर्गेनिक, आई लव देयर सी ग्लो फेस वॉश प्लस दिस हाइड्रेशन जेल, तो ये दो प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आए। तो एंड ऑल्सो देयर बॉडी स्क्रब इज ऑल्सो गुड, जो उनका पाउडर फॉर्म में स्क्रब आता है वो वाला भी काफ़ी अच्छा है,
मैं ये तीनों प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ अभी तो। एंड आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बेला वीटा का कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है एंड कौन सा अच्छा नहीं है, तो ज़रूर मेंशन करके बताएं। दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो जस्ट मैं रिसेंटली इसे यूज़ करी थी एंड आप लोगों को बेला वीटा ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आता है, उनका रिव्यू देखना चाहते हो तो आई शेयर्ड माई रिव्यू विथ यू पीपल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।